ओम शांति। तो हमने 7 दिन का लेसन भी पूरा किया, 1 दिन की साकार मुरली सुनी जो बाबा थे तब। मंडे टू सैटरडे वो साकार मुरली चलती है। आज हम देखेंगे संडे की अव्यक्त मुरली जो थोड़ी डीप होती है समझने में थोड़ी, इसलिए हम सुनाते हैं कि आपको पता चले कि संडे की मुरली आपको एक दो दफे और पढ़नी चाहिए। डीप इसलिए होती है कि परमात्मा ने 69 तक दादा के शरीर के थ्रू ज्ञान दिया, काफी ज्ञान दे दिया और बेसिक ज्ञान था पूरा का पूरा। जैसे कि हम प्राइमरी सेकेंडरी नॉलेज पढ़ते हैं स्कूल और कॉलेज, स्कूल के अंदर से प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल, बाद में कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन है थोड़ा हायर लेवल का होता है। तो ये संडे की मूल्य थोड़ी हायर लेवल की, इतना ही फर्क है। तो देखते हैं कैसी होती है, ऊपर डेट होती है। जैसे हमने आगे देखा लास्ट संडे से 18 तारीख की मुरली है। प्रातः मुरली सुबह में चली थी। ओम शांति मतलब आत्मा शांत होकर मैं मुरली परमात्मा से सुनती हूँ। अव्यक्त बाप दादा, पहले यहाँ खाली बाप दादा था, बाप मतलब पिता, दादा मतलब उसके शरीर के द्वारा सुना रहा। अभी अव्यक्त मतलब वो दोनों नहीं, दूसरे के तीसरे के शरीर में आते हैं। इसका शरीर था दादी गुलजार का शरीर, इसलिए उसके ऊपर लिखा हुआ था अव्यक्त बाप दादा। और ये भी कब चली थी वो डेट भी लगे उसमें, साकार में डेट नहीं आती, कंटिन्यूस मूल्य चलती है। इसमें साल में परमात्मा 12-13 टाइम आते हैं तो उनकी डेट भी होती है हर मूल्य की। दादा थे तब तो 24 आवर्स दादा के शरीर में रहते थे, वैसे ही मान लो जब भी जरूरत पड़ती बाबा आ जाते थे चले जाते थे। अब फिक्स टाइम पर आते हैं, प्रोग्राम के अनुसार आते हैं। तो अव्यक्त मुरली में क्या होता है, सीधा टाइटल होता है पूरी मुरली का। तो क्या टाइटल है, संगम योगी ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं। हमने देखा कोर्स के अंदर कि ब्रह्मा के बच्चे हम सब ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब कोई कास्ट की बात नहीं, ब्राह्मण जिसका मन ब्रह्म में स्थिर रहता है वो, मतलब प्रैक्टिकल आत्मक जीवन बनाना है। और संगम युगी, क्यों संगम युगी, क्योंकि ये युग कलयुग और सतयुग के बीच का युग है। जैसे ही परमात्मा का परिचय मिला हम ब्राह्मण बने, तो संगम युग आया, परमात्मा आए तो, और हम उनका ज्ञान को अपने जीवन से सुना तो हम बन गए ब्राह्मण। तो उनकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए ब्राह्मण चाहिए, पहले ये विशेषताएं इवन लौकिक ब्राह्मणों में भी थी। धीरे 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 समय का पहिया आगे चला, धीरे 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 हम सब कुछ भूलते गए, सब कुछ परिवर्तन हो गए। इसलिए बाबा आकर पहले हमें ब्राह्मण बनाते हैं और फिर उसमें से ब्राह्मण सो देवता। तो सुनते हैं बाबा की मुरली, क्या बाबा विशेषताएं सुनाना चाहते हैं। आज बाप दादा दोनों अपने सर्व सदा साथ रहने वाले, सदा उसका नाम है सदा शिव, उसका नाम बदलता नहीं, सदा ही शिव रहता है। इसलिए सदा मतलब हमेशा साथ रहने, मतलब साथी बच्चे, सदा सहयोगी बन, सेवा के साथी बन, सेवा करने वाले। तो दूसरा है कैसे बच्चे, सहयोगी बच्चे और साथ चलने वाले। तीसरे चलने वाले में उनके जैसे बनने वाले, श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। पहली लाइन में बाबा ने पूरा का पूरा मुरली का बेस बना दिया। साथ रहने वाले अर्थात स्वसहज स्वतः योगी आत्मा, साथी मतलब हमेशा याद रखती है साथी, तो इसलिए स्वतः योगी आत्मा है। सदा सेवा में सहयोगी साथी बन चलने वाले अर्थात ज्ञानी तू आत्मा। पहले कैसे, योगी आत्मा है साथी, दूसरा ज्ञानी आत्मा है। क्यों, सहयोग देते हैं सदा, उनको सेवा में साथ रखते, सेवा करते, इसलिए उनके कैसे कौन कर सकता है जो ज्ञानी है वो, सच्चे सेवाधारी, सच्चे ज्ञानी तो आत्मा मतलब सच्चे सेवाधारी, साथ चलने वाला। तीसरा अर्थात समान और संपन्न कर्मातीत आत्मा, किसके समान, परमात्मा के समान और परमात्मा के गुणों से संपन्न। परमात्मा नहीं बनते, आत्मा आत्मा ही रहते, मगर उनके गुण इक्वल हो जाते। इसलिए हम क्या कहते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, भगवती श्री लक्ष्मी भगवान श्री नारायण, भगवती श्री राधे भगवान श्री कृष्ण, भगवती श्री सीते भगवान श्री राम, ये सब उनकी सरनेम है, वो भगवान नहीं है।
उनने में गुण सब एक जैसे। तो कहने का मतलब कर्माति स्थिति मतलब साथ चलने वाले समान और संपन्न कर्माति स्थिति। बाप दादा सभी बच्चों में ये तीनों विशेषताओं को देख रहे थे कि तीनों बातों में कहाँ तक संपूर्ण बने, है ना। बाबा ने भेज बनाया। अब तीन बात की बाबा बात कर रहे हैं। संगम युग के श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन की ये तीनों ही आवश्यक विशेषताएं, तीनों ही आवश्यक तीन विशेषताएं, तीनों तीन क्या, योगी तू आत्मा सदा साथ रखने वाले परमात्मा, ज्ञानी तू आत्मा सदा सहयोग देने वाले, सदा बाबा की सेवा करने वाली, और बाप समान कर्मातीत आत्मा। कैसे? इक्विवेलेंट टू गॉड फादर, इक्वल नहीं, इक्विवेलेंट मतलब गुणों में। जैसे हमारा बच्चा बच्ची डॉक्टर बन जाता है तो हमारा बच्चा बच्ची ही रहता है, हमारा माँ बाप नहीं बन जाता है। क्वालिफिकेशन हमारे से ज़्यादा हो, इक्वल हो, वैसे ही हमारी क्वालिफिकेशन वो उनके जैसी बना देता है, मगर आत्मा आत्मा रहती है, परमात्मा परमात्मा रहता है। कई लोग मानते हैं ना आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा का ऐसा नहीं होता है। यदि आत्मा परमात्मा हो जाए या तो उसमें मर्ज हो जाए तो क्या हो जाए, आत्मा का अस्तित्व मिट जाए, हम क्या कहते हैं, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। इसलिए बाबा आकर सब कॉन्ट्रास्ट जो है ना, पैराडॉक्स है भक्ति में, क्या कहते हैं, एक साइड में कहते हैं भगवान सर्वव्यापी, दूसरी साइड में क्या कहता है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन धरती पर आ जाए, अपोजिट। एक साइड में ऐसा कहते हैं पत्ता पत्ता परमात्मा हिलाता है, दूसरी तरफ क्या कहते हैं, जैसा करोगे वैसा पाओगे, दोनों अपोजिट। काफी चीजें ऐसी सोचना, कहने का मतलब परमात्मा कर हर चीज का राज समझता है कि ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा एक्चुअली एक्चुअली क्या होना चाहिए, वो सब वो बताता है। इसलिए तीन बातों बाबा देख रहे हैं, क्या, योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा, और बाप समान कर्मातीत आत्मा। इन तीनों में अगर एक भी विशेषता में कमी है तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं के अनुभवी न बनना, नहीं बनेंगे ना, कमी है तो, अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का सुख व प्राप्तियों से वंचित रहता है, रहना है, क्योंकि बाप दादा सभी बच्चों को संपूर्ण वरदान देने में बाबा कमी नहीं रखते, क्योंकि वो तो सागर है, घुटने वाला ही नहीं। इसे बाबा का देने वाला थकता नहीं, लेने वाले थक जाते हैं, क्योंकि उसके पास कोई कमी नहीं, वो तो भंडार है, सागर है। ऐसे नहीं कि यथाशक्ति योगी भव वा यथाशक्ति ज्ञानी तो आत्मा भव, ऐसा वरदान नहीं देते सबको। क्या देते हैं बाबा, ज्ञानी तो आत्मा भव, योगी तो आत्मा भव। जैसे ब्राह्मण बनते हैं कोर्स में ही, क्या बाबा कहते हैं, पवित्र बनो योगी बनो, योगी भव पवित्र भव, वरदान है, वरदान में ज्यादा मेहनत नहीं होती। इसलिए तो क्या होते, 63 जन्म नीचे उतरे, एक ही जन्म में ऊपर चढ़ जाते, क्यों, परमात्मा का साथ, सर्वशक्तिमान साथ है। इसलिए बाबा कहते हैं क्या है कि जितना बाबा तो देने में कभी कमी नहीं करता है, हर चीज बच्चों के लिए खुले वरदान के रूप में है। साथ साथ संगम युग जो सारे कल्प में विशेष युग है, अभी जो युग चल रहा है, युष युग अर्थात समय को भी वरदानी समय कहा जाता है, क्यों, क्योंकि वरदाता बाप वरदान बांटने इस समय ही आते हैं। कल्प के संगम युगी एक ही बार आते परमा, बाकी धर्म पिताए अलग अलग आते, वो अलग, बाकी वो सबका पिता वो एक ही बार पूरे कल्प में, इसलिए समय को भी वरदान है। इसलिए कहते हैं ना, क्या कहते हैं, समय समय बलवान है, नहीं मानो बलवान, काबे अर्जुन रूटियो वही धनुष वही बाण। अर्जुन के पास वही गांडीव धनुष था जिसका एक टंकार करते ही दुनिया पूरी कांपने लगती थी। जैसे युद्ध पूरा हो गया, लुटारे आकर लूट लूट गए, वो डांडी होते हुए भी क्यों, समय चला गया। तो परमात्मा कहते हैं समय का महत्व क्यों है, क्योंकि वो आता है सब, इसलिए समय का महत्व है, वरना नहीं होता समय का महत्व। वरदाता वरदाता के आने के कारण समय भी वरदानी हो गया, कृपा किसके, उनकी है। इस समय तो यह वरदान है,
सर्व प्राप्तियों में भी संपूर्ण प्राप्तियों का यही समय, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का भी यही वरदानी समय। देखो बाबा समय का इंपोर्टेंस बता रहे कि कौन सा समय चल रहा है, और सारे कल्प में कर्म अनुसार प्रारब्ध बार प्राप्त करते वह जैसा कर्म वैसा फल स्वतः प्राप्त होता रहता है। लेकिन इस वरदानी समय पर एक कदम आपका कर्म और पदम गुना बाप द्वारा मदद के रूप में सहज प्राप्त होता है। बाबा के एक ऐसा ही समय है जब परमात्मा खुद यहाँ आ जाता है, ऊपर से अपना वतन छोड़कर सब कुछ लुटाने के लिए। तो क्या है बाबा कहते हैं, एक ऐसा समय है आप एक कदम उठाओ मैं 1000 कदम दौड़ा दौड़ा आपकी मदद के लिए आ जाऊंगा, मगर कदम आपको उठाना है पहले, हिम्मत आपको रखनी है, चॉइस आपको करनी है, बात मदद मेरी हमेशा हाजिर है, मगर शुरुआत इनिशिएशन आपको लेना है। मैं देने के लिए हमेशा राजी हूँ, हमेशा खुला हूँ, खुले भंडार है, कोई चाबी नहीं है, आप ले लो, मगर आपको प्रयत्न तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना लेने का, पुरुषार्थ के बिना पानी भी नहीं मिल सकता। इसलिए परमात्मा कहते एक कदम आपका पदम गुना मदद बाप की। तो बाबा कहते हैं सतयुग में एक का पदम गुना प्राप्त नहीं होता, सतयुग में भी नहीं है, लेकिन अभी प्राप्त हुए प्रारब्ध के रूप में भोगने के अधिकारी बनते हैं। वहां तो अभी जो प्राप्त करते हैं उनका फल वहां है, सिर्फ जमा किया हुआ खाते हुए नीचे आते जाते, देवता बने तुरंत उतराई चालू हो गई, टिक 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 नीचे उतरना। खाली यही समय है जब हम पूरा सीढ़ी के पूरी सीढ़ी को चढ़ते हैं, लिफ्ट के रूप में उतरते हैं, धीरे धीरे चढ़ते हैं, जैसे कि लिफ्ट एलिवेटर आता है वैसे चढ़ जाते हैं। क्यों? परमात्मा साथ है, 1000 गुना मदद साथ है। कला कम होती जाती है सतयुग के बाद, तुरंत ही एक युग पूरा होने से कला भी 16 कला से 14 कला हो जाती है ना, देखा ना सीढ़ी का चित्र याद करो, त्रेता युग आते 2 कला कम हो जाती है 16 से 14। लेकिन संपूर्ण प्राप्ति किस समय की, जो 16 कला संपूर्ण बन, इस समय की नहीं, अभी बनना है, वह प्राप्ति का समय या संगम युग का है। इस समय में बाप खुले दिल से सर्व प्राप्तियों के भंडार वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में और पढ़ाई के फलस्वरूप प्राप्ति के रूप में, तीनों ही संबंध से तीन रूप में विशेष खुले भंडार भरपूर भंडार बच्चों के आगे रखते हैं। तीनों रूप कौन कौन से रूप? वरदान के रूप में वरदान कौन देता है? गुरु। वर्षे के रूप में वर्षा कौन देता है? बाप। और पढ़ाई के फल स्वरूप प्राप्ति के रूप में बढ़ाता कौन है? टीचर। तो तीनों तीनों वो है, बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तीनों के तीनों रूप में खुले भंडार भरपूर भंडार बच्चों को देते हैं, जितना उतना का हिसाब नहीं रखते, एक का पदम गुना का हिसाब। दुनिया में जितना उतना हम रखते हैं ना, पूरी याद ही रखते हैं किसने कितना हमको प्रेजेंट दिया था, फिर उसी के अनुसार हम देते हैं थोड़ा ऐड करके। बाबा कहते ऐसा मेरा हिसाब किताब नहीं है दुनिया वालों जैसा, सिर्फ अपना पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई ऐसे नहीं कहते, लेकिन रहम दिल बन, दाता बन, विधाता बन। कौन वो है सब? रहम दिल, दाता, विधाता, सर्व संबंधी बन, स्वयं हर सेकंड मददगार बनते। जितनी याद उतनी मेहनत, उतनी मदद, सॉरी याद की मेहनत हमें करनी, मगर जितनी याद उतनी उसकी मदद हमेशा हाजिर है। एक सेकंड की हिम्मत और अनेक वर्षों के समान मेहनत की मदद के रूप में सदा सहयोगी बनते हैं, क्योंकि जानते हैं क्यों करता है ऐसा, क्योंकि जानते हैं कि अनेक जन्मों की भटकी हुई निर्बल आत्माएं हैं, थकी हुई है। बाबा जानते हैं ना कि 84 जन्म लेते लेते आत्मा निर्बल बन गए, थक गए, इसलिए इतने तक सहयोग देते हैं, मददगार बनते। इसलिए बाबा 1000 गुना मदद करते। इसे शास्त्र में क्या लिखा है? कृष्ण ने द्रौपदी के पांव दबाए, परमात्मा आकर आत्माओं को क्या किया? कष्ट दूर किए। दिखाए कैसे? इसलिए शास्त्र में ऐसे दिखाए, और आत्मा क्या है? द्रौपदी है, और परमात्मा वो है कृष्ण के रूप में दिखाया, और उनके पांव दबाते मतलब उनको 1000 गुना मदद करते हैं, थक जाती है तो। इसका
हर चीज शास्त्र में जो बताए बहुत ही सूचक, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से बताए, हमें समझना है। बाबा आकर हर चीज समझाता है, स्वयं ऑफर करते हैं। बाबा कहते क्या, सर्व प्रकार का बोझ बाप को दे दो। बाबा कहते मुझे दे दो, आप क्यों उठाकर घूमते हो। बोझ उठाने की ऑफर करते हैं। भाग्य विधाता बन नॉलेजफुल बनाए, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान स्पष्ट समझाए, भाग्य की लकीर खींचने का कलम हाथ में दे देते आपके, है ना, विचार रूपी कलम अपने हाथ में दे देते। उसके बाद ही क्या होता है, वचन में आता है, बाद में कर्म में आता है। भाग्य की लकीर जितना लंबी खींचना चाहो उतना खींच लो। सर्व खुले खजानों की चाबी आपके हाथ में दे दी है, और चाबी भी कितनी सहज है, बस याद करो और बाबा हाजिर, कुछ करना नहीं है। अगर माया का तूफान आते भी है तो छत्र छाया बन सदा सेफ भी रखते हैं, वही बस सेफ रखता है बच्चों को। जहाँ छत्र छाया है वहाँ तूफान क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा ना। सेवाधारी भी बनाते लेकिन साथ साथ बुद्धिवानों की बुद्धि बन आत्माओं को टच भी करते आत्माओं को टच भी करते, जिससे नाम बच्चों का काम बाप का सहज हो जाता। करम करावनहार वो करता भी है और कराता भी है। कैसे करता, किसी के सामने कोई पंडित आ गया, उस बच्चे को पता नहीं, तो बाबा कहते मैं एंट्री उस बच्चे में ले लेता हूँ और जो बुलवाना चाहता हूँ बुला देता हूँ। पंडित को भी छोटा बच्चा ज्ञान दे देता है। क्यों, हम मानते हमने ज्ञान दिया, परमात्मा कहते आपने नहीं दिया, मैंने कर दिया काम, मेरा काम था ने, आप नहीं कर सकते थे। तो ये करनहार करावनहार हमको निमित्त बना देता है और करा देता है, दोनों कामों करता है। इसकी इच्छा के अनुसार ही सब कुछ, वो अपना अपना काम तो करवा ही लेता। तो बाबा कहते हैं कि क्या है, छत्र छाया बन सदा और साथ रहता है, सेवाधारी बन हमेशा हमारी बुद्धि को टच करता है। इतना लाड़ और प्यार से लाडले बनाए पालना करते, जो सदा अनेक झूलों में झुलाते रहते, है ना। बाबा आते संगम, कितना प्यार से मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, शिकलदी बच्चे, लाडले बच्चे कर पालना देते, पांव नीचे नहीं रखने देते, झूला झूले में झुलाते हैं ना। कभी खुशी के झूले में, कौन से झूले, कभी सुख के झूले में, कभी बाप की गोदी के झूले में, कभी आनंद के झूले में, कभी प्रेम के झूले में, कभी शांति के झूले में झूलते रहो। छह प्रकार के झूले बाबा ने बताए, सुख, खुशी, बाप की गोदी, आनंद, प्रेम, शांति, झूलना अर्थात मौज मनाना। यह सर्व प्राप्तियां इस वरदानी समय की विशेषता है। इस समय वरदाता विधाता होने के कारण, बाप और सर्व संबंध निभाने के कारण, बाप रहमदिल है। हम कितनी भी गलती करते तो भी बाप को हमारे पर गुस्सा नहीं आता, रहम आता है कि मेरे बच्चे कितने गिर गए हैं, मैं उनको मदद करूं। एक का पदम देने की विधि इस समय की है। अंत में हिसाब किताब चुकतू करने वाले अपने साथी से काम लेंगे। जब विनाश होगा तो कौन, वो नहीं करेगा, क्योंकि वो तो क्या है, सागर है ना, दया का, कृपा का, वो किसी को पनिशमेंट दे ही नहीं सकता, उनका साथी है, जिसको हम धर्मराज कहते हैं ना। साथी कौन है जानते हो ने। फिर यह एक का पदम गुना हिसाब समाप्त हो जाएगा। अभी जो हिसाब है देने का पदम गुना, वो हिसाब खत्म, अभी रहमदिल है, फिर हिसाब किताब शुरू होगा। सोच लो बाबा कहते, इस समय तो माफ भी कर देते, कड़ी भूल को भी माफ कर और ही मददगार बन आगे उड़ाते हैं। बाबा कितनी मदद है कि करके देखो, हर चीज बाबा करता कराता है और करता है। सिर्फ दिल से महसूस करना अर्थात माफ होना, देखो माफ होने की डेफिनेशन, माफ होना मतलब दिल से महसूस करो कि मेरी गलती है ये, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, बाबा को बताओ तो बाबा आपको हिम्मत देगा, आपको शक्ति देगा और आपको चलाएगा। जैसे दुनिया वाले माफी लेते हैं, यहाँ उस रीति से माफी नहीं लेनी होती। दुनिया में सॉरी कह दिया, थैंक यू कह दिया, बात पूरी हो गई, बाबा कहते ऐसी बात यहाँ नहीं होती है। महसूसता की विधि ही माफी है। विधि क्या है, मैं माफी लेने की, महसूस करो, रियलाइज करो और चेंज करो, चेक करके। तो दिल से महसूस करना, किसके कहने से या समय पर चलाने के लक्ष्य से यह माफी मंजूर नहीं होती,
कोई कहे माफी मांग लो और मांग ले, या तो समय ऐसा है छूट जाए इसलिए माफी मांग लो, तो बाबा कहते ऐसे माफी मंजूर नहीं होती यहाँ। तो दिल से महसूस करना, सॉरी, कोई कई बच्चे चतुर भी होते हैं, देखो बाबा सब कुछ जानते हैं बच्चे क्या करते हैं, वातावरण देखते तो कहते अभी तो महसूस कर लो, माफी ले लो, आगे देखेंगे। फिर वातावरण ऐसा होता है, कोई कहता है बड़ा तो बोलते अभी तो ले लो माफी, बाद में देखेंगे। बाबा को सब पता चलता है हम क्या संकल्प करते, वो भी। लेकिन बाप भी नॉलेजफुल है, जानते हैं, फिर भी मुस्कराते छोड़ देते, लेकिन माफी मंजूर नहीं करते, क्योंकि महसूसता नहीं तो माफी कैसे होगी। चेंज करो, कुछ चेक करो तो माफी मिलेगी ना, बिना विधि के सिद्धि तो नहीं मिलेगी ना, विधि के बिना सिद्धि नहीं होती। विधि एक कदम की है और सिद्धि पदम कदम जितनी होगी, लेकिन एक कदम की विधि तो यथार्थ होने। विधि क्या सिखाई माफ करने की बाबा ने, महसूस करो, रियलाइज करो। वो तो इस समय की विशेषता कितनी है, वह वरदानी समय कैसे है, ये सुना है बाबा ने। इतना सारा मोर देन 50% पेज चला है, क्यों? समय का महत्व क्या है वो समझाने के लिए, सिर्फ, है ना? वरदानी समय विशेषता क्या है वो समझाने के लिए सिर्फ बाबा ने सुनाया। वरदानी समय पर भी वरदान नहीं लेंगे तो और किस समय लेंगे? समय समाप्त हुआ और समय प्रमाण या समय की विशेषताएं भी समाप्त हो जाएगी, इसलिए जो करना है, जो लेना है, जो बनाना है, वह आप वरदान के रूप में बाप की मदद के समय में कर लो, बना लो। समय चला जाएगा, बाद में वापस नहीं आएगा। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नोबडी, समय और दरिया की भर्ती और किसी के लिए रुकती नहीं है, वो अपना समय पर काम कर ही लेती है। इसलिए बाबा कहते अभी समय है संगम का, इतना पावरफुल, एक कदम हिम्मत का, पदम गुणा कदम बाप की, मदद बाप की, ये समय है अभी, अभी ले लो वरना पछताओगे। फिर यह डायमंड चांस मिल नहीं सकता, कैसा चांस है डायमंड? सोने की दुनिया में सोने का चांस, अभी तो डायमंड ही चल रही, ऊंच बनने की ये चल रही। समय की विशेषताएं तो सुनी ने, समय की विशेषताओं के आधार पर ब्राह्मण जीवन की जो तीन विशेषताएं बताई, इस तीनों में संपूर्ण बनो। क्या बताया? योगी बनो, पवित्र बनो, कर्मातीत बनो। आप लोगों का विशेष स्लोगन भी यही है ना, क्या है? योगी बनो, पवित्र बनो, ज्ञानी बनो, कर्मातीत बनो, ये मुख्य है अपना स्लोगन। जब साथ चलना ही है तो सदा साथ रहने वाले ही साथ चलेंगे ना, साथ जाना है तो उनके साथ सदा रहना पड़ेगा ना, तो अंत में वो याद आएगा और ले जाएगा। कभी कभी याद करेंगे तो अंत में वो याद आएगा ही नहीं, इसलिए बाबा कहते तो तभी तो साथ चलोगे ना। तो बाबा कहते हैं बाप समान तैयार होना है ना, समय पर तैयार नहीं होंगे तो चलने के लिए, क्योंकि बाप समान बनना अर्थात तैयार होना है। तैयार होने का मतलब क्या? बाप समान बनना। समानता, समानता ही हाथ और साथ है। बाबा को हाथ नहीं है फिजिकल कोई, बाबा का एक क्वालिटी में मेरे समान बन जाओ, वही बाबा का हाथ है और वही बाबा का साथ है, नहीं तो क्या होगा? देखो बाबा सब कुछ वेल इन एडवांस बताते, बाद में कोई नहीं बोले बाबा ने आपको, बाबा आपने तो हमको बताया नहीं था, उलहना ना दे बाबा को, बाबा सब कुछ पता, नहीं तो क्या होगा? आगे वालों को देखते पीछे पीछे आते रहे तो वह साथी नहीं हुए, पीछे आएंगे तो बाराती है, साथी नहीं है, साथी तो साथ चलेंगे ना। बहुत काल का साथ रहना, साथी बन सहयोगी बनना, यह बहुत काल का संस्कार ही साथी बनाए साथ ले जाएगा। था ना पहला योगी भव मतलब साथी, अभी भी साथ नहीं रहते, इससे सिद्ध है कि दूर रहते हैं, तो दूर रहने का संस्कार साथ चलने के समय भी दूरी का अनुभव कराएगा। इसलिए अभी से तीनों ही विशेषताएं चेक करो, जो बाबा ने बेज बनाया था तीन का, उसके ऊपर बाबा फिर से आ गए। क्यों? चेकिंग पॉइंट कराने के लिए। पहले बाबा ने पूरा का पूरा लॉजिकल बहुत चलते हैं बाबा, डेफिनेशन दी एक एक पॉइंट की, बाद में एग्जाम्पल भी दिए क्या कहना चाहते समय के साथ,
और अंत में बाबा का तब चेक करो, बाद में क्या कहेंगे चेंज करो। बाबा की विधि है, एकदम लॉजिकल विधि बाबा जाते, हमें खबरदार होकर सुनना। बताया था ना, सुनना फिर सोचना फिर समझना फिर सुनाना फिर समाना और फिर स्वरूप बनना और फाइनल समान बन जाना। तो ही समान बनेंगे ना, वरना कैसे बनेंगे? सब स्टेज है, मगर शुरुआत कहाँ से करनी है? सुनना, हर रोज सुनना जरूर है बाबा की मुरली, एक दिन भी मिस नहीं करनी। पता नहीं कौन सी पॉइंट मुरली में से चली जाए, इसलिए बड़े ध्यान से सुनेंगे 1-2 महीना, तो आपको पता चलेगा कि ना सही बात है बाबा की, और बाद में एक्सेप्ट करना है, अनुभव करना है। बाबा कहते योग के प्रयोग करो, तो बाबा कहते हैं सदा साथ रहो, विशेषता चेक करो, सदा साथ रहो, सदा बाप के साथ ही बन सेवा करो, करावन हार बाप निमित करन हार मैं हूँ। बाबा कहते हैं क्या समझो सज्जा, मैं तो करण हार हूँ, निमित हूँ मात्र, कराने वाला तो वो है, तो कभी भी सेवा हलचल में नहीं लाएगी। अधिक निमित समझेंगे तो कभी हलचल में नहीं आएगी। जहाँ अकेले हो तो मैंपन में आते हो, फिर माया बिल्ली म्याओ म्याओ करती है। जैसे ही मैपन आया तो माया बिल्ली आ जाएगी, मैंने किया, और आप मैं करते हो और वह कहती है मैं आओ मैं आओ। कौन माया? नेगेटिविटी, वेस्ट। माया को बिल्ली कहते हो ने, तो साथ ही बन सेवा करो माया को भगाने के लिए। कर्मातीत बनने की भी बड़ी बनने की भी परिभाषा बड़ी गुई है, वह फिर सुनाएंगे। बाबा ने एक ही परिभाषा सुनाई, एक ही व्याख्या सुनाई। ब्राह्मण के 3 विशेषताएं ब्राह्मण की, ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, कर्मातीत आत्मा। मगर कर्मातीत में बहुत ही डिटेल है बाबा की। दूसरी काफी मुरलिया है जो आपने मैंने बताई, अव्यक्त मुरलिया 69-70, जो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप हर रोज पढ़ना थोड़ी 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 थोड़ी, क्योंकि पीछे आते तो अभी समय कम है, तो क्या होगा पूरी रिवाइज नहीं होगी, इसलिए हर रोज हम लोग अभी भी पढ़ते हैं, हर रोज 1-2 पेज या तो पूरी मुरली पढ़ते, साकार पढ़ते अव्यक्त पढ़ते, इसलिए पढ़ो। बाबा कहते बड़ी कुई है, वो फिर स्वतः आपको सुनना मिल जाए कर्मातीत का मतलब क्या है। आज सिर्फ ये 3 बातें चेक करना, तो समय की विशेषताओं का लाभ कहाँ तक प्राप्त किया? अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चेकिंग चल रही बाबा, क्योंकि समय का महत्व जानना अर्थात महान बनना, स्वयं को जानना बाप को जानना, जितना यह महत्व का है वैसे समय को जानना भी आवश्यक है। समय मतलब ड्रामा, स्वयं मतलब आप, और बाप मतलब बाप, और तीसरा समय मतलब ड्रामा, आप बाप और ड्रामा। बाबा कहते 3 बिंदी लगाओ, पहली बिंदी आत्मा, दूसरी बिंदी परमात्मा, तीसरी बिंदी ड्रामा, जो हुआ सो अच्छा भूल जाओ, सीखना वो सीख लो खत्म, बाकी भूलो। तो समझा क्या करना है, जितना समय का महत्व तो क्या करना है। बाप दादा बेल्ट रिजल्ट सुनाइए, इससे पहले अपनी रिजल्ट अपने आप निकालो। बाबा बता, इसलिए पहले आप ही चेक कर लो अपने आप को, क्योंकि बाप दादा ने रिजल्ट अनाउंस कर ली तो रिजल्ट को सुन सोचेंगे कि अब तो अनाउंस हो गए, अब क्या करेंगे, अब जो हूँ जैसी हूँ ठीक हूँ। इसलिए बाबा भी बाप दादा भी कहते यह चेक करो यह चेक करो, क्योंकि एक बार बाबा जब रिजल्ट अनाउंस कर देंगे सतयुग आ जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे? पुरुषार्थ तो कर नहीं सकेंगे, क्योंकि सतयुग है ही पुरुषार्थ को यूज करने का समय, वहां तो पता ही नहीं परमात्मा कौन है, चक्कर क्या है, कुछ पता नहीं। इसलिए बाबा कहते चेक करो, इस इनडायरेक्ट रिजल्ट सुना रहे, क्योंकि पहले से कहा हुआ है कि रिजल्ट सुनाएंगे और समय भी दिया हुआ है। मूल्य में काफी समय बाबा ने कभी 6 मास, कभी 1 साल दिया है, कभी 6 मास, कभी 1 वर्ष दिया है ने। फिर यह भी सोच, यह फिर कहीं यह भी सोचते हैं कि 6 मास तो पूरे हो गए, कुछ सुनाया नहीं। बाबा पहले कहते थे 6 मास के बाद देखें, फिर सुनाते नहीं थे, क्योंकि बच्चों की रिजल्ट अच्छी नहीं होती थी, तो बाबा को अच्छा नहीं लगता था नेगेटिविटी बारे में बोलना, तो कहीं बच्चे ऐसा सोचते क्यों नहीं सुनाया। लेकिन बताया ना कि अभी फिर भी कुछ समय रहम दिल का है, वरदान का है। बाबा कहते अभी भी मैं रहम दिल हूँ, फिर माफ नहीं होगा। अभी चित्रगुप्त गुप्त है, हमारे अंदर तो चित्रगुप्त बैठा है, सबकॉन्शियस माइंड वो गुप्त है,
फिर प्रत्यक्ष होगा, इसलिए फिर भी बाप को रहम आता है। क्या रहम आता है, चलो 1 साल और दे दो, फिर भी बच्चे हैं ना, बाबा बाबा है। बाप चाहे तो क्या नहीं कर सकते, देखो बाबा का रूप, असली रूप, क्या नहीं कर सकते। सबकी एक एक बात अनाउंस कर सकते हैं, सब जानते हैं बाबा, कहीं भोला नाथ समझते हैं ना, कहीं क्या सम बाबा तो भोला नाथ है, वो थोड़ी हमारी ऐसी बात देखेगा। तो कई बच्चे अभी भी बाप को भोला बनाते रहते हैं, भोला नाथ तो है लेकिन महाकाल भी है, भूलना मत। दोनों मंदिर है, भोलानाथ का भी मंदिर है, महाकाल का भी मंदिर है, कालों का काल, वेदनाथ का भी मंदिर है, वेदों का वेद, डॉक्टरों का डॉक्टर। तो बाबा कहते हैं भोलानाथ बनते हैं, अनजान भी बन जाते हैं, बाबा बाद में ज्यादा जाते नहीं, अनजान बन जाते हैं। लेकिन किस लिए, क्यों बनते, भोला क्यों बन जाए, बच्चों को संपूर्ण बनाने, बच्चों को खामिक बनाने के लिए नहीं, समझाता रहता है कि कभी बच्चों को टच हो जाए, समझा। बाप दादा का ये सब नज़ारे देख मुस्कुराते रहते हैं, क्या क्या खेल करते सब देखते रहते, बच्चे क्या क्या खेल करते सब बाबा देखता है। इसलिए ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को स्वयं में चेक करो और स्वयं को संपन्न बनाओ। तो ये होती है स्टाइल अव्यक्त मूल्य की, बहुत ही डीप होती है, एक दो बार वर्णना वरना समझ में नहीं आएगा। अच्छा, पूरी मुरली का सार 3 ही लाइन, हम जब माउंट आबू गए थे 6 पेज की मुरली चाहिए थी, तब तक हमको लग रहा था कि आत्मा तो कोई अच्छी है, बहुत ही पावरफुल है, मगर कैसे माने परमात्मा है। जब उसने 4 लाइन में पूरा सार सुना दिया, तब माने कि नहीं, ये परमात्मा के सिवाय किसी की ताकत नहीं, आगे ना कोई बुक है ना कुछ भी है, सामने ही हम बैठे थे। और 12 घंटा तक बाबा रहे दादी के शरीर में, शाम को 7 बजे आए थे, सुबह 7 बजे बाबा गए, नो ब्रेक। खाली सोचो कि हमको 2 घंटा बैठना है तो हम नहीं बैठ सकते हैं ना, एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर 12 12 घंटा बैठना परमात्मा ही कर सकता है। इसलिए क्या कहते हैं मुरली में, देखो सारास की मुरली का, चारों ओर के सर्व योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा, बाप समान कर्मातीत श्रेष्ठ आत्माओं को बाबा याद पर नमस्ते देते, मगर किसको, जो क्वालिफाइड है उसको। साकार मुरली में सबको याद प्यार नमस्ते करता है, यहाँ देखो किसको करता है, जिसमें ये क्वालिटी हो, जो पूरी मुरली में कवर किया बाबा ने। कैसे बच्चों को, ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, बाप समान कर्मातीत श्रेष्ठ आत्माओं को। सदा स्वयं के समय के महत्व को जान, स्वयं का भी महत्व समय का भी महत्व को जान, महान बनने वाली महान आत्माओं को। क्यों महान आत्मा, पूरा 84 का पाठ चल पाठ बजाती है आत्मा, हम आत्मा सत्युग से लेकर कलयुग अंत। इसलिए महान आत्माओं को सदा बाप के सर्व संबंधों का प्राप्ति का लाभ लेने वाले समझदार, विशाल बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, सदा पावन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इसमें जितनी क्वालिटी हो उसको ही याद प्यार, और हमें ऐसा बनना ही है। और बाद में क्या होता था, पार्टियों से मुलाकात होती थी, बाद में पार्टियों के मुलाकात के बाद सेंटर वाइज मुलाकात होती थी, सेंटर वाइज के बाद इंडिविजुअल बाबा मिलते थे, टोली देते थे और वरदान देते थे, ऐसा समय था। तो पार्टियों से मुलाकात, सदा अपने को सर्वशक्तियों से संपन्न, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा ये अनुभव करते हो, बाबा मिल रहे पार्टी को, मगर एप्लीकेबल टू ऑल ईच एंड एवरीबडी, हमको भी सबको अभी भी एप्लीकेबल है। क्यों, क्योंकि बाबा पूरी दुनिया की आत्माओं को सामने रख बोलते हैं, और जोन अनुसार होता है, गुजरात जोन, पंजाब जोन, महाराष्ट्र जोन, स्टेट वाइज होते हैं पूरे, और डबल फॉरेनर्स भी होते हैं, उनका जोन नहीं होता है, वो कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि उनको आने जाने के लिए इंडिया दूर पड़ता है, तो उनके लिए सब पार्टी, सब जब भी बाबा आते हैं तो अलाउ होते हैं, बाकी सबको अलाउ नहीं करते, वरना मधुबन उभर जा रहे, कहीं रहने की जगह ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा ही अनुभव करते हो, ये हमारा क्या होगा, स्वमान, जो स्वमान बोलते हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं, बाबा ने क्या कहा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो
कहा तो खराब, सही बाबा ने, मगर मैंने उतारा। बाप ने सर्व शक्तियों का खजाना वर्षे में दे दिया, तो सर्व शक्तियां अपना वर्षा अर्थात खजाना है, अपना खजाना साथ रहता है ने। बाप ने दिया बच्चों का हो गया, तो जो चीज अपनी होती है वह स्वतः याद रहती है, वह जो भी चीजें होती है वह विनाशी होती है कहाँ दुनिया में, और यहाँ वर्षा व शक्तियाँ अविनाशी है। आज वर्षा मिला कल समाप्त हो गया ऐसा नहीं, आज खजाने हैं कल कोई जला दे कोई लूट ले ऐसा खजाना नहीं है, जितना खर्चो उतना बढ़ने वाला है खजाना, ऐसा है जितना यूज करो उतना बढ़ता है, कहते हैं ना विद्या वापरता वधे, धन ज्ञान धन का यूज जितना यूज करेंगे उतना ही वो बढ़ता है, जितना ज्ञान का खजाना बांटो उतना बढ़ता रहेगा, सर्व साधन भी स्वतः ही प्राप्त होते रहेंगे। देखो बाबा का ब्लेसिंग देखो, ज्ञान दिया बाबा ने, बांटो तो बढ़ेगा और सर्व साधन भी हाजिर हो जाएंगे, अनुभव करके देखो बाबा बता रहे तो मान ले ऐसा नहीं, तो सदा के लिए वर्षे के अधिकारी बन गए खुशी रहती है ना, वर्षा भी कितना श्रेष्ठ है, कोई अप्राप्ति नहीं सर्व प्राप्ति है। अच्छा अमृत बेले देखो, सुबह हो गए थे, अमृत बेला मतलब सुबह के 4 बज गए थे, विदा के समय दादियों से तथा दादी निर्मल शांता से बाप दादा की मुलाकात, दादियां मतलब जो यज्ञ में बड़ी बहनें होती है, जो यज्ञ की शुरुआत से यज्ञ में 1935-36 से लेकर अभी तक, उसको कहते हैं दादी या तो दादा, भाई है तो दादा कहेंगे, बहन है तो दादी। दादी निर्मल शांता जो थी वो ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी भी थी, तो उनको तो तीनों बाप एक थे, क्यों शारीरिक पिता ब्रह्मा दादा था, अलौकिक जब ब्रह्मा में परमात्मा आए और ब्राह्मणों की रचना की तो वो भी ब्राह्मण ही थे, तो अलौकिक पिता भी हो पारलौकिक, क्योंकि परमात्मा उसके शरीर में आता, तो तीनों तीन पिता एक, ऐसा एक ही है जो है दादी निर्मल शांता, क्योंकि उनकी बच्ची थी लौकिक में भी, तो उनको भी मिल रहा है क्योंकि वो कलकत्ता है उस ईस्टर्न जोन की इंचार्ज थी, अभी तो शरीर छोड़ दिया तब की बात है। महारथियों के हर कदम में सेवा है, महारथी जिसकी सवारी हाथी पर होती है, लड़ते हैं ना तीन प्रकार के योद्धे होते हैं, हम माया से युद्ध करते हैं हम भी योद्धे हैं, तो मगर योद्धे तीन प्रकार के, जो हाथी पर बैठ कर लड़ते हैं मतलब बहुत ही पावरफुल है, दूसरे घोड़े पर बैठ कर लड़ते उससे कम पावरफुल है, तीसरे पैदल जो पैरों पर खड़े रहकर लड़ते हैं वो है लास्ट। तो बाबा किसकी बात कह रहे, दादियों मतलब महारथी है, सालों से ज्ञान में चल रही है, जीवन बना दिया है, महारथियों के हर कदम में सेवा है, चाहे बोले चाहे नहीं बोले लेकिन हर कर्म हर चलन में सेवा है, मन वचन कर्म सेवा बिना एक भी सेकंड रह नहीं सकते, चाहे मनसा सेवा में हो चाहे वाचा सेवा में हो चाहे सबन संपर्क में सेवा में, कोई किसी की मन से सेवा करे किसी की वाणी से सेवा करे किसी का सबन संपर्क से सेवा करे, लेकिन निरंतर योगी भी है, देखिए बाबा के समय की है ने, तो निरंतर सेवादारी भी, योग और सेवा का बैलेंस अच्छा है, जो मधुबन में खजाना जमा किया वह सभी को बांटने के लिए जा रही हो कि छुट्टी जा रही, छुट्टी ले रही, मधुबन बाबा को मिलने के लिए आई थी जोन के साथ। महारथियों का स्थान पर रहना भी अनेक आत्माओं का स्थूल सहारा हो जाता है, दादिया दादा जो है कहा है महारथी बहुत पुराने हैं ने, जैसे बाप छत्र छाया ऐसे बाप समान बच्चे भी छत्र छाया बन जाते हैं, सभी देख करके कितने खुश होते हैं, तो ये वरदान है सभी महारथियों को, आंखों का वरदान मस्तक का वरदान कितने वरदान है, हर कर्म करने वाले निमित्त कर्मेंद्रियों को वरदान है, नैनों से देखते हो तो क्या समझते पता है दादियों दादा को, सभी समझते हैं ने कि बाप की नजर का इन आत्माओं की नजर से अनुभव होता है, ऐसा अनुभव भी होता है रियलाइज होता है कि बाबा नहीं है मगर किसी के द्वारा, और बाबा अनुभव कराता है, अंत में वैसा ही अनुभव होगा ना, बच्चों द्वारा साक्षात्कार होंगे, तो बाबा कहते हैं हर कर्म करते हो उनके द्वारा क्या होता है बाप का अनुभव होता है, तो नैनों को वरदान हो गया ने, मुख को वरदान है क्योंकि ज्ञान सुना रहे सुन रहे, बाद में जिस चेहरे को वरदान है कदम कदम को वरदान है, कितने वरदान है क्या गिनती करेंगे,
औरों को तो वरदान देते हैं, लेकिन आप आपको पहले से ही वरदान मिले हुए हैं, क्योंकि दादी आने बहुत सालों से ज्ञान में चल रही है। जो भी कदम उठाओ वरदानों से झोली भरी हुई है। जैसे लक्ष्मी को दिखाते हैं ना, क्या दिखाते हैं लक्ष्मी बाबा, तुरंत एग्जाम्पल देते हैं, उसके हाथ में धन सभी को मिलता ही रहता है, कंटिन्यूस फ्लोइंग बता दें, थोड़े समय के लिए नहीं, सदा संपत्ति की देवी बन संपत्ति देती ही रहती है। तो किसका चित्र है? बाबा कहते आपका तो चित्र है, जरा याद करो तो कितने वरदान है। बाप तो कहते हैं कोई वरदान रहा ही नहीं, बाबा ने सब कुछ लुटा दिया, तो फिर क्या दे? वरदानों से ही सजे हुए चल रहे हो, इसे कहते हो ने हाथ घुमाया और वरदान मिल गया, आशीर्वाद देते हैं सीधा ही। तो बाप ने तो समान भव का वरदान दिया। क्या वरदान है? बाप समान भव, पहले आप समान बनाना, हम जैसे हैं वैसा बनाना है, मतलब ज्ञान में आगे बढ़ाना है, फिर बाप समान बनाना है। इसलिए बाबा कहते हैं तो बाप ने तो समान भव का वरदान दिया, इसे सब वरदान मिल गए ने। जब बाप अव्यक्त हुए तो सभी को समान भव का वरदान दिया ने, सिर्फ सामने वाले को नहीं सभी को दिया, जो दूर दूर बैठे उनको भी दिया। सूक्ष्म रूप में सब महावीर बाप के सामने रहे और वरदान मिला। महावीर जो माया के ऊपर विजय प्राप्त करता है वो अच्छा, आप लोगों के साथ सभी की दुआएं और दवाएं है ही, दुआएं क्या बन जाती है? दवाई बन जाती है, इसलिए बड़ी बीमारी भी छोटी हो जाती है। सिर्फ रूपरेखा दिखाती है क्या? बीमारी आती जरूर है, मगर क्या ऊपर ऊपर से आएगी और चली जाएगी, लेकिन अपना अपना दांव नहीं लगा सकती। आती है मगर दांव नहीं लगा सकती, हिसाब किताब है तो आएगी तो सही जरूर ने पूरा कर लेगी। सब यह सूली से कांटे का रूप दिखाती है, क्या बन जाता है? सूली से कांटा बन जाता है, इतनी सजा एकदम सूक्ष्म सजा बन जाती है। बाकी तो बाप का हाथ और साथ सथा है ही, हर कदम में हर बोल में बाप की दुआ दवा मिलती रहती, दुआ ही दवा है। इसलिए बेफिक्र रहो, इससे फ्री कब होंगे? किसने पूछा शरीर से फ्री कब होंगे? ऐसे फ्री हो जाओ तो सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ, इससे औरों को भी बल मिलता है, यह बीमारी भी आप लोगों की सेवा कराती है। बाबा कहते हैं बीमारी भी सेवा करती है आपकी, क्यों? यदि बीमारी नहीं होती तो फ्री नहीं होते ना, बाबा को याद ही नहीं कर सकते, इसलिए वो भी सेवा का साधन है। तो बीमारी बीमारी नहीं है, सेवा का साधन है, नहीं तो और सब समझेंगे इन्हों को तो मदद है, इन्हों को अनुभव थोड़ी ही है। यदि दादा दादियों को एग्जाम ना आए, बीमार ना हो, तो लोग क्या माने? इनको तो परमात्मा पहले से मिले हुए हैं, तो उनको तो वरदान मिल गया, फिर कैसे आएगा? मगर बाबा कहते ऐसा नहीं होता है, बाबा ना ना बोलते। तो बाबा कहते लेकिन अनुभव बनाए औरों को हिम्मत दिलाने की सेवा के लिए थोड़ा सा रूपरेखा दिखाती है। क्यों आती है माया या बीमारी? क्यों? अनुभवी बनाने और हिम्मत देने के लिए वो आती है, नहीं तो सभी दिल शिकस्त हो जाए, दिल शिकस्त, दिल से सिक हो जाना, बीमार हो जाना, नासीपास हो जाना, उमंग उत्साह खो देना। आप सभी एग्जाम्पल रूप से थोड़ी रूपरेखा देखते, बाकी चुप तो हो गया है, सिर्फ रूपरेखा मात्र रहा है। अच्छा, तो बाबा कहते तो थोड़ा सा आ रहा है, जो भी आ रहा है हिसाब किताब चुप तो करने के लिए। विदेशी भाई बहनों जो विदेश वाले जाते हैं हर मीटिंग में, उनसे बाबा मिल रहे हैं, क्या कहते हैं? देखो, दिल से हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना, यही दिल की थैंक्स है। थैंक यू बहुत बोलते हैं ना फॉरन वाले, तो बाप कहते थैंक्स का मतलब क्या? देखो, दिल से हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना, बाप की हर कदम में हर बच्चों के दिल से थैंक्स मिलती रहती है। संगम युग को सर्व आत्माओं के प्रति सदा के लिए थैंक्स का समय करेगी। संगम एक पूरा ही थैंक्स डे है, थैंक्स डे आता है ना इसके आसपास में। सदा एक दो को शुभ भावना शुभ कामना देते रहो, और बाप भी देते हैं। अच्छा, मुरली पूरी होती है, आज का वरदान है खुशी के साथ शक्ति को धारण कर। खुशी तो होनी चाहिए इसमें ना नहीं, मगर शक्ति भी धारण करनी। विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव,
खुशी होगी, शक्ति होगी, तो वितना आराम से पास हो जाएंगे और वितना जीत बन जाएंगे, निर्विघ्न बन जाएंगे। बाबा समझाते हैं, देखो कैसा बाबा समझाते हैं, जो बच्चे जमा करना चाहते हैं वह शक्तिशाली बनते हैं। यदि अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा, स्वयं के स्वयं में समाया नहीं तो शक्ति नहीं रहती। आज सुना, बहुत अच्छा लगा, किसी से शेयर कर दिया, मगर खुद स्वरूप नहीं बने, खुद में समाया नहीं, प्रैक्टिकल नहीं आया, तो बाबा कैसे, किस काम का, तो शक्ति नहीं रहती है ना। सिर्फ बांटने का व दान करने की खुशी रहती है। खुशी के साथ शक्ति हो जो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्न जीत बन जाए। खुशी होगी और शक्ति होगी तो कोई भी विघ्न विघ्न नहीं लगेगा, फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है, ऐसे शक्ति की झलक भी दिखाई दे। मूर्तियां देखिए ना माता जी की, अम्बा माँ, कालिका माँ, उसकी तो क्या करते हैं, कैसी विकराल मृष्ट उसकी मूर्ति बनाते हैं, जहां भी बनाते हैं, और आसपास का सब कटाई कर देते हैं, साफ कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं क्या करना चाहिए, सिर्फ बांटने व दान करने की खुशी नहीं, पूरी की पूरी अंदर की खुशी रहनी चाहिए। खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्न को पार कर विघ्न जीत बन जाएंगे, फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है, वैसे शक्ति का झलक, शक्ति की झलक भी दिखाई पड़े। खुशी के साथ शक्ति भी हो, कहीं माया अटैक न कर ले। स्लोगन है, परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। परमात्मा कहते परिस्थिति से घबराओ नहीं, वो तो आपको शिक्षा देने के लिए आती है, तो आप जो शिक्षा देना चाहती है वो आप सीख लो उससे, और जीवन को सफल बनाओ। आज सूचना थी, क्योंकि लास्ट संडे थर्ड संडे था, एवरी थर्ड संडे इंटरनेशनल डे होता है ब्रह्मा कुमारियों द्वारा। आज मास का तीसरा रविवार, लास्ट संडे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे सायं शाम, साय मतलब सांझ को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष परमधाम के ऊंचे स्थान पर स्थित हो, लाइट माइट का हाउस वन, प्रकृति वन, प्रकृति सहित पूरे विश्व को सर्च लाइट देते रहो। तो कैसे देना है, बाबा कहते हैं जब योग में बैठते हो, हर एवरी थर्ड संडे ऑफ द मंथ ब्रह्मा कुमारीज का हर सेंटर पर, ब्राह्मण के हर घर में 1 घंटा योग होता है।